कविशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आज किताबों की श्रृंखला में दो ऐसी किताबों की बात करने वाला हूं जिसके लेखक का जो रोजाना का काम है वो कॉमर्स में रहता है, लेकिन उन्होंने हिंदी की कविताएं एक अलग तरीके से लिखी हैं। उनकी हिंदी में आपकी उनको उनकी जब कविताएं आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी में किस तरीके से उनकी पकड़ है, स्पेशली पोइट्री में किस तरीके की पकड़ है, कि कॉमर्स का एक अध्यापक किस तरीके से कविताओं का जो समागम है उन्होंने इस किताबों के जरिए लोगों तक पहुँचाया है। किताब का नाम है संधान और अरुणिमा, ये दो किताबें हैं। इनका जो विमोचन, संधान का जो विमोचन है वो श्री आनंदीबेन पटेल ने, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, उन्होंने किया था कोविड टाइम पे। जिसके जो लेखक है डॉक्टर भास्कर शर्मा, डॉक्टर भास्कर शर्मा सीतापुर से बिलोंग करते हैं, एमकॉम एलएलबी पीएचडी की है, इनका लिटरेचर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आजकल जो साहित्य की विधाओं को फॉलो कर रहे हैं वो गीतकार और व्यंगकार के रूप में जाने जाते हैं। व्यावसायिक रूप से शासकीय सेवा में है, प्रबंध विज्ञान संस्थान लखनऊ में इस समय पे अध्यापक हैं, शिक्षा दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ये जो किताबें हैं, चूंकि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसकी कविताओं के जरिए अगर मैं कविताएं पढ़ता हूं तो आपको दोनों किताबों का आइडिया लगेगा कि किताबों में क्या कहने की कोशिश की गई है। जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूने की कोशिश इस किताब में जो कविताएं हैं उनके जरिए की गई हैं। तो मैं पहले अरुणिमा से कुछ कविताएं पढ़ता हूं आपके लिए। पहली जो कविता है अरुणिमा से वो है जयगान तुम्हें गाना होगा। पग पग पर बिखरे सूल तो क्या, वो धराएं प्रतिकूल तो क्या, आपाधापी के जीवन में हो जाए किंचित भूल तो क्या, नाविक हो हर हालत में उस पर तुम्हें जाना होगा, जीवन की इस गाथा का जयगान तुम्हें गाना होगा। अमृत तो देह का नहीं कभी, पर अंतर मन का होता है, सच में सर्प होता राज मुकुट सागर चरणों को धोता है। कायर का पुरुषों से डरकर जो मार्ग नहीं बदला करते, जयकार उसी की होती है, इतिहास उसी का होता है, जो खो जाए खो जाने दो फिर नया और पाना होगा, जयगान तुम्हें गाना होगा। हम ये सोचें हम जैसे हैं वैसा जग सारा होवे, हम हंसें तो सारा जग हंस ले, हम रोएं तो सारा जग रोवे, बस यही कल्पना लोक बना कारण बड़ी उदासी का, रानी क्यों आवरण ओढ़ ले महलों वाली दासी का, नैसर्गिक गुण छोड़ जिए तो जीवन भर पछताना होगा, जयगान तुम्हें गाना होगा। मुझे इस कविता के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ कविताओं का जो लिखने का तरीका था उसका मुझे याद आ गया। दूसरी कविता है कि समय की मांग। कविता कहती है कि अब समय आ गया है, महाभारत से सप्ताह मिले, तलवारों से दूर हो सिकवे गिले, बूथ की जगह युद्ध के मैदान सजे, वो सब लड़े जनता के मजे, युद्ध समाप्ति तक आधे होंगे साफ, कुछ को मिले सजा तो कुछ हो जाएंगे माफ, जाति और धर्मवार बने सेनाएं, सब लड़ सके ऐसी व्यवस्था बनाएं, पहले लड़ाकों की हो जाति वर गणना, शर्त हो अपनी जाति वाले से ही लड़ना, जोरदार लगाएं नफरत के नारे, तभी तो होंगे वारे न्यारे, दिल से मिटाकर करुणा संवेदना, तब वीरों को युद्ध में भेजना, हर तरफ हो शोक आंसू चीत्कार, जो जीते उसकी जय जयकार, जमकर हो वे खेला सब सच खड़ा हो अकेला, जो जीते वही सिकंदर, बाकी सब दुम कटे बंदर, ऐसे हो वीरता की परीक्षा, कटा जुज की शिक्षा दीक्षा, जिनके हो पेट भरे उनको ही लड़ाया जाए, भुखमरों को हरगिज मैदान में न लाया जाए, इस तरह जीत का फिर जश्न मनाया जाए, हर जाति का एक सिरमौर बनाया जाए, ताजपोशी उसी की हो मूर्तियां उसकी लगें, उसके ही नाम पे आने वाली पीढ़ी को ठगें। तो ये कविता थी कुछ इसमें समय की जो मांग है आजकल हास्यात्मक तरीके से व्यंग्यात्मक तरीके से उसको कहने की कोशिश की गई है। इस किताब से आखिरी कविता है जो मैं अभी पढ़ूंगा आपके लिए, मनमौजी है यार बनारस। ये बनारस के ऊपर कविता है मुझे लगता है इसके टाइटल से, कि मनमौजी है यार बनारस, बरसाता है प्यार बनारस, योगी भोगी सन्यासी का सबका है अधिकार बनारस, मनमौजी है यार बनारस, देव धनुष सुर किन्नर सारे, सूर्य चंद्रमा और सितारे, सबको मिलती शरण यहाँ पर, स्वयं में एक संसार बनारस, मनमौजी है यार बनारस, कला ज्ञान विज्ञान की नगरी, गंगा भरती सबकी गगरी, महा मना बिस्मिल्ला जैसे गढ़ देते किरदार बनारस, मनमौजी है यार बनारस, ठंडाई का अद्भुत तरंग, पान भंग दोनों का रंग, एक साथ सर चढ़कर बोले आओ बारंबार बनारस, मनमौजी है यार बनारस, सुबह सुनो कबीरा की वाणी, रविदास से ज्ञानी ध्यानी, तुलसी बाबा की बोली से कर देता उद्धार बनारस, मनमौजी है यार बनारस, गजलों गीतों गानों वाला, गायन नृत्य घरानों वाला, मुंशी प्रेम प्रसादों वाला,
रंगों का मल्हार बनारस मनमोजी है यार बनारस। लोग यहाँ के निर्मल मन के, लोग यहाँ के निर्मल मन के, भले फकीरी चलेंगे तन के, अगर मोहब्बत से बोलो तो लुटवा देगा बार बनारस मनमोजी है यार बनारस। कितने हैं मशहूर घराने, जो बस जाएं वहीं तो जाने, चुंबकीय आकर्षण इसका करता आंखें चार, बनारस मनमोजी है यार बनारस। जितना दोगे दुगना देगा, चाहत की झोली भर देगा, प्यार मोहब्बत के मसलों में रखता कुछ है ना उधार, बनारस मनमोजी है यार बनारस। पप्पू के यहाँ चाय पे चर्चा, बस छोटा मोटा सा खर्चा, रीति रिवाजों दुनिया भर की, मना रहा व्यवहार, बनारस मनमोजी है यार बनारस। मर के भी जो घट आ जाता, मुक्ति यहाँ पर वो पा जाता, डोम राज के सत्य वचन से सबको देता तार, बनारस मनमोजी है यार बनारस। स्वाभिमान इसके रग रग में, क्रांति धर्म हर पग पग एक पग पग में, शीश कभी भी झुका ना जिसका, ऐसा है खुददार बनारस मनमोजी है यार बनारस। भोले के मन को है भाया, विश्वनाथ की अपनी माया, बसा त्रिया त्रिशूल पर अपने शिव का पावन द्वार, बनारस मनमोजी है यार बनारस। दूसरी किताब है जिसका नाम संधान है। इस किताब में फिर से मैं कहूंगा कि इस किताब में जीवन के हर पहलू को छू लेने वाली कविताएं हैं। इससे मैं आपको जल्दी से तीन कविताएं सुनाता हूं। पहली कविता है कि पैसे में गुण बहुत हैं, पैसे में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग, पैसे ही खेंगे जीवन के, पैसे में ही, पैसे में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग, पैसे में ही दिखेंगे जीवन के सब रंग, पैसा पल्ले हो अगर बहुत मिलेगी मीत, जीवन की हर रंग, जीवन की हर जंग में पक्की मानो जीत, पैसा ही है आजकल रिश्तों का आधार, बिन पैसे के जाइए नहीं किसी के द्वार, पैसे से विरक्त की जो करते हैं बात, बोरा भर भर लक्ष्मी की गिनती सारे रात, कोर्ट कचहरी पुलिस से पैसा ले बचाए, जेल के फाटक टूटते हथकड़ी खुल जाए, पैसा से ही मिल रही अब ऊंची तालीम, इससे ही इंजीनियर इससे बने ही की हकीम, पैसा ही है बन गया संस्कारों का बाप, ढंडक दिल को दे सदा दूर करे सब ताप, पैसे की उपदेश है पैसे में भगवान, पैसे से सब प्रेम है पैसे से सम्मान, पैसे से ही गधा भी पंजीरी पा जाए, बिन पैसे के बुद्ध भी यार जंग खा जाए, पुत्र पुत्री पौत्र या मित्रों का संबंध, पैसा हो तो खूब निभे फैलाए सुगंध, अगर जानना चाहते हो अपनी औकात, निर्धन होकर कीजिए किसी बड़े से बात, नैतिकताएं ओढ़कर कभी न बनिए संत, जमकर माल कमाइए सुखमय होगा अंत, जाति पंथ मजहब सभी इसके आगे मौन, अंत समय तक साथ दे इससे बढ़कर कौन। तो ये कविता थी जो पैसे की इर्द गिर्द पैसे की महत्वता को बताते हुए कविता है। दूसरी है रेलगाड़ी। तो हम लोग ट्रेन सभी लोग जानते हैं, रेलगाड़ी जो लोग ट्रेन को बोलते हैं उनको ये कनेक्ट कर पाएंगे। रेलगाड़ी जिंदगी की गुजर रही है धीरे धीरे, जाने अनजाने कितने ही चेहरे आते, कोई मिलता कोई बिछड़ता, पर आगे बढ़ते जाते, ना ही दोस्ती किया किसी से और किसी से नहीं है बैर, अपनाया जिसने भी पकड़ा फिर अपने हो गए गैर, खींच दिया जंजीर किसी ने तो ठहर रही धीरे धीरे, रेलगाड़ी जिंदगी की गुजर रही धीरे धीरे, सभी मुसाफिर यहाँ सभी को आना जाना जारी है, मंजिल पर आकर रुक जाना जब भी जिसकी बारी है, हम जिस पर बैठे हैं उस पर कल कोई दूजा आएगा, वही रजाई कंबल तकिया वो अपने संग पाएगा, सात पोटली सामानों की बिखर रही धीरे धीरे, रेलगाड़ी जिंदगी की गुजर रही धीरे धीरे, सफर मनोरम करना होगा जो कुछ है सब धरना होगा, कुछ भी तेरा ना मेरा है यहाँ तो केवल पग में फेरा है, टिकट वापसी लिए हाथ है केवल सबका क्षणिक साथ है, चढ़ना और उतरना क्रम है सब अपना होने का भ्रम है, जो इस सच को समझ गए मति उनकी सुधर रही धीरे धीरे, रेलगाड़ी जिंदगी की गुजर रही धीरे धीरे। आखिरी कविता मैं पढ़ूंगा इस किताब से, मुझे बहुत पसंद है कि इंसान की यही विशेषता है वो कई तरह के चरित्र जीता है, पशुओं में ये गुण नहीं आया तभी तो इंसान श्रेष्ठ कहलाया, पशु अपनी पशुता कभी नहीं छोड़ता, आदमी बनने के लिए अपनी मौलिकता नहीं खोता, ना तो सभ्य बनने की जद्दोजहद, ना भाषा का कोई सरहद, ना धर्म और जाति का बंधन, ना हंसना ना व्यर्थ का रुदन, अहंकार तो छू तक नहीं जाता, मांसाहारी भले हो अपनी प्रजाति को नहीं खाता, फिर भी इंसानों के नीच कृत्य को पशुओं जैसा क्यों बताया जाता है, बेवजह बेजुबान के मान को क्यों घटाया जाता है। अब आई होप आपको ये जो कविताएं मैंने पढ़ी आपको पसंद आई होंगी, अगर ये कविताएं पसंद आई हैं तो इन दोनों किताबों को आप जरूर पढ़िए, संधान और अरुणिमा, जिसमें मुझे लगता है जीवन के हर पहलू हर पड़ाव को कविताओं के माध्यम से बोलने का प्रयास किया गया है। इस तरीके की और कविताओं के लिए कहानियों के लिए किताबों के लिए जुड़ रही है कविशाला के साथ में। धन्यवाद।